विदेशी बाजारों में सूरजमुखी और सोयाबीन के भाव फिलहाल एक ही हैं, पर देश के खुदरा बाजारों में सूरजमुखी तेल के आयात भाव के मुकाबले 40 से 50 रुपए लीटर अधिक भाव से तो सोयाबीन तेल 15 से 20 रुपए लीटर अधिक कीमत पर बिक रहा है। बाजार जानकारों का कहना है कि तेल संगठनों को इस बात की जानकारी सरकार को देनी चाहिए। तेल संगठनों की खामोशी का फायदा बहुराष्ट्रीय या बड़ी कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि विदेशी बाजारों में तेजी के चलते और डॉलर में मजबूती से फिलहाल दिल्ली के तेल तिलन बाजार के सूरजमुखी तेल, सोयाबीन, सीपीओ और पामोलिन तेल के साथ साथ सरसों तेल तिलन कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। उधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान जैसी जगहों के आयातक पहले से ही परेशान थे, जिन्हें लगभग $2150 प्रति टन के भाव आयाती तेल को आधे से भी कम दाम में तब बेचना पड़ा जब इसके आयात का भाव लगभग $900 प्रति टन रह गया। इसके साथ डॉलर के मजबूत होने के बाद आयातकों को अधिक रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। आयातक इस दोहरी मार से फिलहाल त्रस्त है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार के शुल्क मुक्त खाद्य तेलों के आयात का कोटा निर्धारित करने के फैसले के बाद बाकी आयातकों ने नए सौदे खरीदने से हाथ खींच लिया है। जानकारों का कहना है कि निर्धारित कोटा से अलग आयात करने पर इन आयातकों को आयात शुल्क अदा करने के बाद उनका महंगा तेल बाजार में खपना आसान नहीं रह जाएगा, क्योंकि बाजार भाव सस्ते आयाती तेलों के हिसाब से तय होने लगेगा। ऐसे में नए सौदे नहीं होने से बाजार में भारी शॉर्ट सप्लाई की स्थिति बन गई है, जिससे तेल कीमतों में फिलहाल मजबूती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।